टेल मी वन थिंग और हैरियर लोगे आप सफारी लोगे टेल मी वन थिंग जो इससे बेटर रिव्यू आपने ऑनलाइन काफ़ी सारा देखा होगा बट आज हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी अंडमान के लिए कितना प्रैक्टिकल और यूजफुल है यहाँ के रोड्स के हिसाब से अब लेट्स पुट इट ऑन सैंड मोड नाउ लेट्स सी हाउ द थिंग स्टक एंड दिस थिंग इज स्मूथ वी आर ड्राइविंग अ टू व्हील इन सैंड ब्रो वी आर ड्राइविंग अ टू व्हील इन सैंड हेलो एवरीवन तो आज है हमारे पास द ऑल न्यू थार रॉक्स जिसका हम कासा अंडमान की तरफ से एक छोटा सा एक रिव्यू करेंगे रिव्यू आपने ऑनलाइन काफ़ी सारा देखा होगा बट आज हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी अंडमान के लिए कितना प्रैक्टिकल यूजफुल है यहाँ के रोड्स के हिसाब से तो हमारे पास जो वेरियंट है दिस इज़ दी पेट्रोल ऑटोमेटिक AX7 टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट आउटर लुक्स आप देख सकते हो रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है कम्पेयर टू दी ओल्ड थार दिस हैज़ अ मच बेटर रोड प्रेजेंस सो दिस इज़ दी आउटर लुक ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेदर आपके लिए ये गाड़ी फ्रॉम द नॉर्मल महिंद्रा थार इज़ अ गुड अपग्रेड और नो अब एक लुक देखते हैं गाड़ी इंटीरियर से कैसा लगता है सो सबसे पहले हम ओपन करेंगे रेयर डोर वाइट लेदर अपॉल्स्ट्री काफ़ी प्रीमियम लुक देता है रेयर एसी इवेंट्स है रेयर पैसेंजर्स के लिए जो बहुत एक मस्ट नीडेड चीज़ है फॉर स्पेशली फॉर अंडमान वेदर एंड क्लाइमेट फ्रंट में भी आपको सेम वाइट इंटीरियर्स लेदर इंटीरियर्स डैशबोर्ड में सब लेदर फिनिश है प्लास्टिक एकदम हटा दिया गया है इसमें और काफ़ी प्रीमियम लुक आ जाता है ये बेसिकली एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम एसयूवी हो जाता है जिसमें आप ऑफ रोड भी कर सकते हो विद ऑल दी लग्जरी इन इट अभी वील स्टार्ट विद द ड्राइव ड्यूरिंग द ड्राइव हम लोग आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या एडिशनल फीचर्स है एंड हाउ डज़ इट फील टू ड्राइव तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर इन द ड्राइविंग सीट तो सबसे पहले दिस इज़ द व्यू काफ़ी प्रीमियम लुक डेफिनेटली इसमें दिया गया है क्लस्टर आपका डिजिटल है जो हम लोग को पहले थार में एनालॉग क्लस्टर था स्टेयरिंग इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग दे दिया गया है तो स्टेयरिंग इज़ दिस स्मूथ तो वो एक बहुत एडेड चीज़ है और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे फीचर्स और इसमें ऐड कर दिया गया इसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है इसमें आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फॉर आपका ऑडियो सिस्टम वी हैव अ 7-8 inch इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे वी हैव अ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड बाकी आई जस्ट हैंड ओवर टू पुष्कर टू से सम मोर फीचर्स ऑफ द कार सो गाइज यहाँ पे हमारे पास थार रॉक्स AX7L वेरिएंट है एंड इस वेरिएंट पे हमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं ऑलमोस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इट इज़ अ लग्जूरियस कार बहुत लग्जूरियस है और पिछले थार से तो आपको बहुत बेटर लगने वाला है ये लुक एंड फील बहुत अच्छा है द सीट्स आर वेरी प्लश सीट्स बहुत प्लश हैं देर आर वेंटिलेटेड सीट्स में ये दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं और बोथ द फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड एंड इसमें ये 10 इंचेस का स्क्रीन मिलता है आपको विच हैज़ गॉट एड्रेनॉक्स फीचर्स और प्लस ये आपको यहाँ पे डिजिटल पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एंड प्लस यू गेट एन IRVM ऑटो डिमिंग IRVM है रादर देन द मैनुअल वन एंड इसमें इस मॉडल में और AX5L एंड AX7L में यू गेट ADAS लेवल 2 विच आज के टाइम में ट्रैफिक में इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी Then we have got a massive panoramic sunroof here. बहुत बड़ा है I must say आपको अगर कैमरा में नहीं पता चल रहा होगा but it is very very big. It is massive other than the rivals. And we have got a Herman Kardon sound system जिसका audio आपको हम थोड़ी देर में सुनाएंगे and it is amazing. Plus we have also got electronic parking brakes here. This is a 4x2 variant basically. यहाँ पे आपको 4x4 वाला gear lever मिलेगा बट दिस इज़ अ 4x2 पेट्रोल वेरियंट सो यहाँ में एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक वन सो यहाँ में सिर्फ ये वाला लिवर है एंड ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाएगा यहाँ में यू हैव गॉट USB-C पोर्ट एंड टाइप ए बोथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे आपको पावर सॉकेट नहीं मिलेगा बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ हमारे साथ आज फैज़ है तो फैज चलते हैं हम ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं इसका डन पुष्कर तो लेट्स गो हम अभी जो चला रहे हैं दिस इज़ दी ऑटोमेटिक वेरियंट स्टेयरिंग मैंने जस्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक है तो फील्स रियली स्मूथ दी इनिशियल इम्प्रेशन जो इसका है बहुत एक लग्जरियस फील देता है डेफिनेटली एंड राइड जैसी आप स्टार्ट करते हैं फील होता है कि लाइक गाड़ी एक्चुअली बहुत स्मूथ है जो पुराना थार में जो रगेडनेस था वो रगेडनेस एकदम टोटली इज एक्चुअली मिसिंग दिस इज वेरी यू नो ऑन अ वेरी लग्जरी साइड एंड पुष्कर हाउ डू यू फील एज अ पैसेंजर लाइक एज अ पैसेंजर इज वेल अब पुरानी थार में भी मैं बैठा हूँ बट दिस इज अमेजिंग आई फील कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है थार और थार रॉक्स में एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल मतलब इट जस्ट फील्स लाइक कि मैं एक स्कॉर्पियो एन में ही बैठा हूँ एंड द सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल इट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड कि थार ऐसा भी हो सकता था
एग्जैक्टली टोटली एग्रीड विद दैट. इनफैक्ट मैं एक चीज़ शायद इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ड्राइव समवेयर फील्स अ लिटिल बेटर देन स्कॉर्पियो एन. लाइक वो जो बॉडी रोल शायद कहीं ना कहीं मेरे को स्कॉर्पियो एन में थोड़ा सा मिलता था, शायद वो चीज़ में और महिंद्रा ने काम किया है जिसके वजह से वी फील यू नो इट इज़ मोर स्टेबल. वो बॉडी रोल कम है. हाँ, दिस कार इज़ वेरी स्टेबल नाउ. अभी अगर आप 60 के स्पीड में भी 70 के स्पीड में एट वॉट एवर स्पीड यू टर्न, इट इज़ वेरी स्टेबल. देर इज ऑलमोस्ट निल, द बॉडी रोल इज निल. राइट. एंड पुष्कर एक चीज़, अभी भी वी आर, ये गाड़ी में ड्राइव मोड्स है, सो वी हैव मल्टीपल ड्राइव मोड्स, जिप, जूम, स्नो, मड एंड सैंड. स्नो डेफिनेटली अंडमान्स के लिए तो है नहीं, बट जिप इज़ द नॉर्मल ड्राइव मोड. यहाँ पर हम लोग एक बार जूम ट्राई करते हैं. Where in the car should get more aggressive, and has it got? Yes, it is more aggressive. Mm. Feels more. This right, is like right, right. sports variant. जैसे अगर आप sports में चलाना चाहते हो. I guess the जो steering होगा, it has been exactly. अभी थोड़ा steering hard right, like hard you can feel yes, it. Yes. The moment आप zoom mode में डालते हो. So it gives a significant difference. Exactly. कि अगर आप zip mode में हो तो the steering is lighter. राइट. जब जूम मोड में हो आप तो स्टेयरिंग और टाइट हो जाता है. राइट. तो इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस आई गेस. एग्जैक्टली. ओके, देयर इज वन मोर थिंग जो मैं फील कर रहा हूँ अभी इस गाड़ी में. जो बाहर का नॉइस है, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो नाउ. राइट. इट इज जीरो. कैंसिलेशन में महिंद्रा ने डेफिनेटली काम किया है. इट इज वेरी क्वाइट. पुष्कर मैं जो वेरिएंट चला रहा हूँ थार का, वो सॉफ्ट टॉप है. इनफैक्ट वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि आउटसाइड नॉइज इतना ज़्यादा रहता है. बट जनरली आस्किंग, व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज दिस अ गुड बाय फॉर अंडमान का रोड, यहाँ का वेदर, यहाँ का रोड कंडीशन? डेफिनेटली, एनी डे आई वुड सजेस्ट दिस कार फॉर द अंडमान रोड्स, बिकॉज आप अब ये मल्टीपर्पज हो जाएगा. आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं. इवन इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर एन एडवेंचर विथ योर फैमिली, यू कैन टेक देम. बट लास्ट थार में आप वो चीज़ नहीं कर पाते थे बिकॉज देयर वर स्पेस इशूज इन दैट कार. राइट. अब इसमें स्पेस है. इनफैक्ट पुष्कर और एक चीज़, व्हाट आई एम थिंकिंग इज लाइक, अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं भी करना है, लाइक इवन अगर एज अ फैमिली कार यू वॉन्ट टू बाई दिस, दिस इज अ वेरी गुड एसयूवी. डेफिनेटली ऑफ रोड वाला, आप इसको सोचिए मत कि दिस इज अ ऑफ रोड व्हीकल. राइट. फॉर समवन हु वॉन्ट्स टू बाई अ नॉर्मल टू व्हील ड्राइव द टॉप एंड वेरियंट, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फैमिली कार. इनफैक्ट मैं ये वेंटिलेटेड सीट वाला फीचर एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. ये मेरे को समझ में बहुत काम आता है. जब भी ऑफिस जाता हूँ, शर्ट पीछे भीग जाता है लाइक वो गर्मी और पसीने से. Right. तो वो चीज़ मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा लगा है. एंड बार बार मेरा नज़र तो सनरूफ में जा रहा है. दिस इज समथिंग बहुत क्रेजी जो महिंद्रा ने कर दिया है. Yes. Even I was surprised when I see this is very huge. I think ये सेगमेंट में शायद कोई भी इतना बड़ा सनरूफ तो नहीं मिलता है. पुष्कर ब्रेक्स में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है. आई थिंक ये बाइट. हाँ, बाइट अच्छा है. इनिशियल रेस्पॉन्स, जैसे ही आप टच करते हो पेडल को, यू फील द कार स्लोइंग डाउन. आई थिंक ये बार शायद चारों टायर में डिस दिया हुआ है. लास्ट टाइम पुराना थार में ब्रेक्स, हाँ, हम लोग का पीछे का ड्रम ब्रेक्स था उसको भी अपग्रेड करके अभी डिस कर दिया है. तो जैसा पहले वीडियो में बताया था, हम लोग जो चला रहे हैं दिस इज द पेट्रोल टॉप एंड वेरियंट. बताया था, जैसा पहले आपको बताया था कि लाइक हम जो वेरियंट चला रहे हैं दिस इज अ 4x2 वेरियंट. राइट. बट हाउएवर महिंद्रा ने 4x2 वेरियंट में भी हमको एक ऑप्शन दिया है मड एंड सैंड. सो दैट मीन्स कि दिस कार समवेयर इज डेफिनेटली केपेबल. तभी ये वेरिएंट, ये दो ऑप्शंस इसमें दिया गया है. तो आज हम लोग 4x2 को टेस्ट करेंगे कि लाइक इसका ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज कैसा है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. एक अभी एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, हम बहुत रॉकी रोड में इस टाइम. Right. बहुत undulations है इस रोड में, but I can't feel it here. I also can't. I think अगर like हम लोग जो वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो में भी शायद अगर ये चीज मैं नॉर्मल अपना थार में बनाऊँ तो वीडियो कितना ज्यादा शेकी हो जाएगा. बाप रे बाप. I think व्यूअर्स के लिए वो चीज इसमें बहुत ज्यादा नहीं पता चलने वाला है. लाइक राहुल, इफ यू कैन शो द रोड फ्रॉम आउटसाइड यहाँ पे, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, कि हम लोग क्या तरह का टेरेन में चला रहे हैं प्रेजेंटली गाड़ी. ये नीचे अगर आप दिखाएंगे तो हम लोग ये टेरेन में चला रहे हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग वेरी स्मूथ. कोई ज़्यादा बॉडी रोल नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अंदर कुछ फील नहीं होता है एक्चुअली इसमें. तो अभी हम एक्चुअली आ चुके हैं थोड़ा सा एक ऑफ रोड टेरेन में. राहुल, आई वुड वंस रिक्वेस्ट कि आप ये टेरेन दिखा दें. तो आई हैव बीन ऑफ रोडिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ़ दी व्हीकल्स यहाँ पे उसको एक 4x4 लाइक ज़रूरत है ये तरह चीज़ क्रॉस करने के लिए. बट आई एम प्रिटी श्योर अगर थार ने इसमें मड मोड दिया है
तो हम लोग ट्राई करके देखेंगे। वी एनीवेज हैव अ रेस्क्यू व्हीकल जो हम लोग स्टैंड बाई लेके चलते हैं। मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा किसी को टू कम ऑफ रोडिंग इन अ 4x2 व्हीकल अनलेस एंड अनटिल आप कुछ पहले एक्सपीरियंस रखते हो। तो राहुल, अगर आप सामने से कवर कर पाए तो हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग ये टेरेन को कितना इजीली हम लोग पार कर रहे हैं इन अ 2-व्हील ड्राइव। के इनिशियली गुड फॉर अ 2-व्हील ड्राइव। वाओ, स्मूथ टिल नाउ, वेरी वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। बिल्कुल भी मेरे को 4x4 का भी इसमें कोई जरूरत ही नहीं लग रहा है अभी तक का। I am pretty scared, Faiz, but I don't know what this will is smooth. This is smooth. This is very smooth. I am still scared, but surprisingly, this car is going as if it is a 4-wheel drive. Drive, Pushkar, like, my God. I can't believe it. I can't believe it. My God. Wow. Mahindra, hats off. This is something. हम लाइक काफ़ी हम लोग भी साथ में काफ़ी बार ऑफ रोड आए हैं। हम ये चीज़ देखा है कि लाइक ठीक है थार इज़ फाइन बट बहुत सारा अदर व्हीकल्स दे डेफिनेटली नीड एक 4x4 डेफिनेटली जाने के लिए। तो पुष्कर टेरेन अभी भी इज समथिंग विच नीड्स अ 4x4। तो मैं आपको अभी ये गाड़ी का एक चीज़ दिखाता हूँ। 2-व्हील ड्राइव, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ब्रेक छोड़ रहा हूँ। एंड टेरेन आप एक बार और देख लीजिए, हाउ द टेरेन इज। And just see here, there is zero throttle. अगर आप एक बार throttle में दिखाए तो the car is just crawling itself. Like it doesn't need any acceleration, सिर्फ crawl कर रहा है। मैंने अभी तक का throttle touch बिल्कुल नहीं किया है। Car सिर्फ crawl करते हुए जा रहा है। अभी भी the terrain keeps getting tough, but Pushkar, I am still at zero throttle. मैं सिर्फ ब्रेक छोड़ के I am letting the car crawl. एंड ये चीज़ से मेरा एक्साइटमेंट ज़्यादा क्या हो रहा है पता, कि लाइक हाउ विल द 4x4 बी ब्रो, लाइक डेफिनेटली अभी उसको एक बार चला के एक्सपीरियंस करना है। गाइज, यू कैन सी द टेरेन। आई एम शिट स्कैर्ड नाउ। अब दिस कार इज क्रॉलिंग मैन। फैज, दिस इज अमेजिंग। दिस इज समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड कि एक 4x2 ऐसे इतनी स्मूथली जा सकता है। I think now I can confidently say for some basic tracks जैसा बड़ा बालू, you surely don't need a 4x4. ये गाड़ी इतना capable है कि like, और वो भी हम लोग जो season में कर रहे हैं, we are at the like monsoon, end of monsoon. Road का हालत आपको दिख रहा है कैसा, and we are going all smooth. So बाकी summer times में like it is just a common man drive car, drive route I mean. Let's see this terrain. ये थोड़ा सा tricky लग रहा है। Nothing is tricky, Pushkar, for this car. Nothing surely is tricky, Pushkar. In fact, मैंने और एक चीज़ notice किया, turning radius. Oh, even that is nice. Exactly. That is much, much, much better. In fact, मैं थार तो like last 2.5 years से चला रहा हूँ, तो मेरे को like off road में short turns में मेरे को definitely मुश्किल होता था। इसका turning radius has really been improved. And off road आते साथ the steering feel like I am loving it again and again. Electronic steering इतना smooth है like. Makes the ride all more fun, you know. Look at the view, क्या प्यारा view है यहाँ। और but चीज क्या है, ये view अगर आपको experience करना है, then तो you need a Thar. Definitely, you'll have to buy a Thar. You need a Thar. But Faiz, I never expected कि we could come this far, वो भी एक 4x2 में. This smooth. Without any struggle, really, we like, went smoothly. In fact, Pushkar, to be honest, मेरे को क्या लगा था थोड़ा सा शायद struggle होगा, इसलिए मैंने एक recovery vehicle को भी बोला था जो standby में रहे, but and we should tell you that is a Fortuner 4x4 that we had. Exactly. But I think it's time to call him and say कि like भाई आप वापस जाओ, we don't really need you. में थे, अब let's put it on sand mode. Now let's see how the car performs. Sand mode is active and I really hope ki hum log we don't get stuck somewhere. But I am now pretty confident here with this car. We are not getting stuck. And this thing is smooth. We are driving a 2-wheel in sand, bro. We are driving a 2-wheel in sand. Mahindra, hats off to your technology with the 2-wheel drive. Agar ye 4x4 rehta to I wouldn't be amazed because any 4x4 can actually do this. Exactly, but yes. Being a 2-wheel drive with and zero struggle. We have done this before, and all of that was in a 4-wheel drive. Exactly. But 2-wheel mein, this is the first time and I am pretty surprised here. What else you need in life? A group of friends
फोर फाइव फ्रेंड्स हुआ विद यू, अ थार रॉक्स एंड अ व्यू लाइक दिस एंड अ प्लेस लाइक दिस जहाँ पे हम लोग है, वी हैव अ स्मॉल बॉनफायर सेटअप, वहाँ पे आग भी जला दिया है, वी आर गोइंग टू स्पेंड सम मोर टाइम ओवर हियर एंड दिस इज पीस यार, दिस इज पीस लाइक हम लोग जो जगह रह रहे हैं, आई थिंक पीपल आर मिसिंग दिस, वी आर आई थिंक इन वी आर इन पैराडाइज यार, देर इज नो डाउट इफ यू जस्ट हैव अ लुक. बट अगेन टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस यू नीड अ थार एंड आई वुड से गो फॉर अ थार रॉक्स. मैं ढाई साल से चला रहा हूँ थार, नॉट वेरी हैप्पी विद थार, इनफैक्ट मैं खुश हूँ विद द ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, बट रगेडनेस, स्टेयरिंग बहुत हार्ड है, कार का सस्पेंशन बहुत स्टिफ है. तो आफ्टर दिस द मोमेंट आई स्टार्टेड ड्राइविंग दिस, तो मैंने फरहान को कॉल किया कि लाइक फरहान मेरा एक बुकिंग आप डाल देना, सो आई एम ऑल्सो एक्सचेंजिंग माई कार. इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली कि लाइक इज़ इट अ वर्थ अपग्रेड दैन योर एग्जिस्टिंग थार, ट्रस्ट मी इट इज़. टेक अ टेस्ट ड्राइव महिंद्रा से, आप लोग एक टेस्ट ड्राइव लीजिए, देखिए, इट इज़ अ वर्थ अपग्रेड, इट इज़ अ लग्जरी ऑफ रोडर, इट्स अ लग्जरी ऑफ रोडर. सो पुष्कर, वॉट्स योर वर्डिक्ट, आर यू बाइंग दिस? मैंने तो अभी बोल दिया कि मैंने ऑलरेडी अपना बुकिंग कर दिया, द मोमेंट आई ड्रॉव दिस आई डिड माई बुकिंग, तो आई एम श्योरली अपग्रेडिंग. एंड अभी तो अंडमान में वी हैव दी ऑप्शंस लाइक डी व्हील्स है और एक दो लोग हैं जो यूज्ड कार खरीद लेते हैं, सो थिंग्स बिकम इजी. एंड व्हाट्स योर वर्डिक्ट ऑन दिस? आईज क्लोज्ड, आई एम गोइंग टू बाय दिस आईज क्लोज्ड. इसको आई करंटली हैव अ जीप कंपस एंड आई विल बी एक्सचेंजिंग दैट विद दिस कार. बट पुष्कर, लाइक इज देर एनी माइनस विच यू फाउंड इन दिस कार टिल नाउ? सी, देर आर सम माइनस पॉइंट्स, सब बोल रहे हैं जैसा इट हैज़ गॉट वाइट इंटीरियर्स, डेफिनेटली इट इज़ हार्ड टू मेंटेन एंड अदरवाइज गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है ना, आप वो एक बार देख लोगे, उसके बाद यू विल आप भूल जाओगे सारे माइनस पॉइंट्स. आई विल श्योरली एग्री विद यू, द ओनली रीजन विच इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम बाइंग द कार प्रेजेंटली इज़ दिस वाइट इंटीरियर्स, क्योंकि हम लोग ऑफ रोड उतना ज़्यादा रेगुलर करते हैं, तो आई थिंक मोर देन एनी वन एल्स वी आर मोर इन टू ऑफ रोड विद आर क्लब एंड थिंग्स, सो फॉर मी टू मेंटेन समथिंग लाइक दिस इज वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक महिंद्रा हैज गिवन अस अ ऑप्शन, एग्जैक्टली मोका इंटीरियर्स, बट द माइनस थिंग इज उसके लिए मेरे को शायद थोड़ा वेट और करना पड़े, राइट? तो आई थिंक दैट इज द ओनली माइनस जो मैं शायद ये गाड़ी का बोलूंगा. एंड फेज, आई वुड टेल यू कि जो मोका इंटीरियर है दैट इज ओनली फॉर द 4x4 वेरियंट्स, ओके, एंड वो 4x2 वेरियंट्स के लिए नहीं है मोका इंटीरियर. तो अगर आप 4x4 वेरिएंट ले रहे हो तो आपको मोका इंटीरियर वाला ऑप्शन मिलने वाला है, अदरवाइज यू विल हैव टू बेयर विद द वाइट. बट आई थिंक समवन हु डजंट रियली डू ऑफ रोड या कोई बहुत ज्यादा खराब रोड में जाता नहीं है, फॉर देम इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि वाइट गिव्स अ मच प्रीमियम लुक द मोमेंट वो आप कैबिन में घुसते हो ना, लाइक वो प्रीमियमनेस का जो फील आता है, आई थिंक वो आपको शायद दूसरे कलर में ना मिले, दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ वाइट. बट वाइट इज नॉट फॉर मी, सो बहुत बहुत अच्छे दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है वाइट इंटीरियर. आप अंदर बैठते हो आपको और प्लश लगता है वाइट इंटीरियर देखने से, बिकॉज बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी, ट्रस्ट मी, इट इज़ मच मच मोर कंफर्टेबल दैन दी ओल्ड थार. आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके अपने नियरेस्ट डीलरशिप में जाइए, टेस्ट ड्राइव करिए इसको एंड यू एक्सपीरियंस इट. जेडविड महिंद्रा, नियरेस्ट डीलरशिप, वेरी फ्रेंडली डीलरशिप. एंड इनफैक्ट पुष्कर, आई हैव ड्रिवन हैरियर ऑल्सो, हम लोग हैरियर को भी ऑफ रोड में लेके गए थे काफ़ी, उसको भी पुश किया. And I think for this price point at 22 lakhs is the सबसे top end variant. I'm not sure if you really need the top end variant, even AX5L is a very good. That's the X-showroom price, Fest? I think that is the on-road price, 22.5 lakhs. Okay. And AX5L again comes with a sunroof also. So even that is a very good variant, 4x4 diesel automatic. So at this price point, like if you are buying something else, so then you seriously need to rethink. बिकॉज आप अगर 20 लाख रुपया समथिंग लाइक क्रेटा या कहीं में डाल रहे हो, तो यू सीरियसली नीड टू गिव अ सेकेंड थॉट, बिकॉज दैट्स नॉट द कार विच आई वुड ड्राइव. आई वुड ड्राइव दिस एनी डे, बिकॉज आई कैन हैव फन विद दिस, आई कैन लिव माई लाइफ विद दिस, आई कैन लिव अंडमान्स विद दिस. बट फैज, आई गेस एक माइनस पॉइंट हो सकता है इसका, करेंटली वी आर ड्राइविंग द पेट्रोल इंजन एंड पेट्रोल का इट इज़ अंडरस्टूड द माइलेज जो मिलेगा आपको दैट विल बी वेरी लेस. बट स्टिल यू हैव अ डीजल ऑप्शन, आप डीजल के लिए जा सकते हैं, डीजल विल गिव यू गुड माइलेज, 10-12 अराउंड आपको माइलेज मिलेगा एंड दैट इज प्रीटी गुड फॉर द सिटी. एंड इन फैक्ट पुष्कर, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज कि लाइक मैं फरहान से बात भी किया था एंड वी विल टेक दिस कार फॉर अ लॉन्ग ड्राइव फॉर अ मोर डिटेल्ड रिव्यू टू नॉर्थ एंड मिडिल. एग्जैक्टली, तब हम शायद इसका माइलेज टेस्ट कर सकते हैं, माइलेज टेस्ट कर सकते हैं और वो टाइम वो रोड्स में कितना कंफर्टेबल है क्या है. इनफैक्ट राहुल, लाइक यू वेर अ पैसेंजर विद अस अलॉन्ग विद अफजल एंड आयान,
सो यू गाइज कैन ऑल्सो गिव अ वर्ड कि लाइक हाउ कम्फर्टेबल वॉज इट रेयर सीट्स में, आप लोग भी एक वर्ड अपना दे सकते हैं. तो थार रॉक्स वेरी इजली, कि ऐसा है कि पुराना थार में क्या होता था कि अगर सामने का जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर नहीं उतरेगा तो हम लोग उतर नहीं पाएंगे नीचे. तो इतना केपेबल है कि एंड ऑफ द डे यू हैव अ डो, यू कमिंग आउट एंड यू आर रियली एंजॉयिंग यार, दिस इज टू व्हील. And we have three Thar owners over here. In fact, मेरे पास 4x4 है, Ayan has a 4x4, Afzal has a 4x2. You guys feel it is worth the upgrade? Yeah, yeah. Worth the upgrade. Yeah, worth the upgrade. Body roll, ये वो सब missing था. Like the main thing is that the space inside. Space, हाँ. बहुत spacious बना के बहुत. हम लोग actually boot में we didn't take a look, right? Yes, actually we did not check the boot. Let's एक बार boot check करते हैं. Let's check the boot. दिस इज स्पेशियस मैन लाइक. और आप इससे ज़्यादा क्या लगेज डालना चाहते हो? आई थिंक दो बैग, दो सूटकेस प्लस टू स्मॉल बैग्स आराम से आ जाएगा. एंड इन केस इफ यू वॉन्ट मोर स्पेस, आप सीट 60-40 स्प्लिट कर सकते हो इसमें. हो जाएगा ये अलग से स्प्लिट हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा. उसका आई थिंक एक चीज़ और जो हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं करा है, दैट इज़ द साउंड सिस्टम. साउंड सिस्टम हारमन गार्डन का साउंड सिस्टम दिया है एंड बहुत बहुत अमेजिंग साउंड है. एंड आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को माइक में वो चीज़ उतना अच्छा समझ आएगा. फॉर दैट आई वुड वॉन्ट, अगर आप गाड़ी नहीं भी चला रहे, इवन इफ़ यू आर अ पैसेंजर, गो टू योर डीलरशिप, गो टू जेडवेड महिंद्रा, गाड़ी में बैठिए, एक बार साउंड सिस्टम सुनिए, आई एम श्योर यू लव दिस कार. सो द फाइनल वर्डिक्ट, और सिंस हम लोग इतना ज़्यादा एडवेंचर में हैं, काफ़ी सालों से हम लोग ऑफ रोड कर रहे हैं, तो विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड सारा कुछ मैं बोलना चाहता हूँ टू ऑल द यंगस्टर्स, डोंट वेस्ट योर मनी इन सम अदर कार एट दिस प्राइस पॉइंट. आई वुड सीरियसली लाइक, व्हाट वुड यू बाय? आप जाके क्रेटा खरीदोगे? लाइक टेल मी वन थिंग. और हैरियर लोगे, आप सफारी लोगे, टेल मी वन थिंग जो इससे बेटर है वो गाड़ी में. दिस इज गॉट अ हारमन कार्डन साउंड सिस्टम, दिस डेफिनेटली साउंड्स बेटर देन योर कार. दिस इज गॉट अ बिगर सनरूफ देन योर कार. दिस इज गॉट वेंटिलेटेड सीट्स. दिस इज गॉट मोर ड्राइव कम्फर्ट. दिस इज गॉट मोर प्रीमियम इंटीरियर्स. एंड इसके साथ यू कैन बी समवेयर लाइक दिस, यू कैन हैव अ व्यू समथिंग लाइक दिस ऑन अ फुल मून. वी आर हियर इन बड़ा बालू. तो गाइज डोंट वेस्ट योर मनी, इट इज योर कॉल नाउ फॉर यंगस्टर्स, दिस इज द कार टू बाई. और कुछ थॉट्स मत दीजिए, वी आर टेलिंग यू दिस विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज दिस इज नॉट अ पेड रिव्यू. मैं अगेन बता देना चाहता हूँ, ये कासांडा मान के तरफ से हम लोग कर रहे हैं, तो श्योरली इट इज़ नॉट अ पेड रिव्यू. लाइक दिस इज़ आर पर्सनल व्यू, हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बता रहे हैं. इतने साल से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, इतने साल से हम लोग ऑफ रोड कर रहे हैं, बहुत सारा टेरेंस हम लोग ऑलमोस्ट सारा टेरेंस एक्सपीरियंस कर लिए अंडमान का. एंड यू डोंट इवन रियली नीड अ 4x4 गाइज, लाइक इवन अ 4x2 इज मोर देन सफिशेंट. हम लोग अभी टू व्हील में आए, रोड आपने वीडियो में तो देखा होगा, आपको आइडिया लग गया रहेगा रोड कैसा है. लाइक इट गोज़ विद स्मूथ, इवन इन सैंड कहीं पे कोई तरह का स्ट्रगल नहीं, इट गोज़ विद ऑल स्मूथ. बट स्टिल फॉर हूएवर जो भी ऑफ रोड के लिए जाता है, वेदर यू गो इन अ 4x2 और यू गो इन अ 4x4, हम लोग भी नेवर रिकमेंड यू गोइंग अलोन. ऑलवेज हैव अ बडी व्हीकल लाइक हु इज़ देयर टू रेस्क्यू यू, क्योंकि आप नहीं जानते हो एवरी टाइम द टेरेन्स मे नॉट बी सिमिलर. समटाइम्स लाइक बिकॉज ऑफ द टाइड्स एंड मेनी अदर फैक्टर्स क्या होता है, कभी कार फंसने का चांस रहता है. So we always recommend you having a 4x4 with a buddy rider. But still, if you have a 4x2, this is capable and this has got the capabilities. Best of luck, guys. Thank you.